गाइस आप लोग कभी ना कभी तो माइनक्राफ्ट का कोई ट्रेलर देखा ही होगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। बट रियलिटी में कुछ ऐसा होता है। इमोशनल डैमेज। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ माइनक्राफ्ट ट्रेलर टेक्सचर पैक फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। इस टेक्सचर पैक का नाम है बेयर बोन्स टेक्सचर पैक। एंड इस टेक्सचर पैक को लगाने के बाद आपका जो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है ना भाई, वो एक माइनक्राफ्ट ट्रेलर जैसा बन जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं इस टेक्सचर पैक का एक छोटा सा रिव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोग इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो एंड कैसे गेम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो चलो भाई बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर। एंड ये देखो भाई, मैंने वो टेक्सचर पैक लगा रखा है। एंड ये जो मेरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है ना, ये भाई माइनक्राफ्ट ट्रेलर जैसा लग रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डर्ट को देख सकते हो भाई, हर एक ब्लॉक हर एक चीज सब कुछ एकदम सबका टेक्सचर चेंज हो चुका है। इस पेड़ का टेक्सचर देखो आप लोग, कितना सिंपल एंड क्लीन है ना भाई, एकदम माइनक्राफ्ट ट्रेलर जैसा। इस पेड़ का भी जो लॉग है ना, ये भी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो आसपास हर एक चीज भाई ट्रेलर जैसा हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को पानी दिखाऊं तो देखो भाई, पानी भी कितना ज्यादा क्लीन एंड सिंपल है भाई, एकदम क्लीन लग रहा है। अगर मैं पानी के अंदर जाकर आप लोगों को दिखाऊं तो नीचे से तो उतना कुछ खास नहीं है, बस ऊपर से दिखने में थोड़ा क्लीन एंड सिंपल लगता है। और भाई इसी के साथ साथ जितने भी सारे मोब्स है ना, उन सारे मोब्स का भाई टेक्सचर चेंज हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ मोब्स को रखा है, जैसे कि पिग, सीप, काउ और एक चिकन। बाकी जितने भी सारे मोब्स है ना, सारे के सारे मोब्स जो है क्यूट हो चुका है, आप लोग खुद देख लेना। अगर मैं आप लोगों को क्रीपर स्पॉन करके दिखाऊं तो देख सकते हो भाई, लग रहा है ना एकदम माइनक्राफ्ट ट्रेलर जैसा। इसके अलावा ज़ॉम्बी, स्केलेटन, स्पाइडर सबका टेक्सचर चेंज हो चुका है, आप लोग खुद से देख लेना। और भाई जितने भी सारे ओर है ना, ये सारे के सारे ओर भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। जैसे कि देख सकते हो कितना ज्यादा सिंपल एंड क्लीन है भाई ओरिजिनल माइनक्राफ्ट से, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितना अच्छा है सारे के सारे ओर। स्पेशली नेदर का जो ओर है ना, ये भी अलग ही दिखता है भाई। देखो और भाई यहाँ पे देखो कॉबलस्टोन को, देखो कॉबलस्टोन तो इतना ज्यादा प्यारा लगेगा ना कि आप लोग तो भाई कॉबलस्टोन से ही अपना घर बनाने वाले हो। बाकी यहाँ पे लावा को भी देख सकते हो भाई, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी अगर मैं आप लोगों को नेदर पोर्टल दिखाऊं तो देखो भाई, नेदर पोर्टल से तो आप लोगों को प्यार हो जाएगा भाई, इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना देखने में। चलो मैं आप लोगों को अभी नेदर का वर्ल्ड भी दिखा देता हूँ, ठीक है। नेदर जो है ना, इसका भी टेक्सचर चेंज हो चुका है। एंड जो एंड वर्ल्ड है उसका भी टेक्सचर चेंज हो चुका है। और भाई इस टेक्सचर पैक का ना एक फायदा है नेदर के अंदर, वो ये है कि भाई नेदर में ना ज्यादा डार्कनेस नहीं होता, आप लोग हर एक ब्लॉक हर एक चीज काफी अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये स्केलेटन को देखो भाई, कितना ज्यादा सिंपल एंड क्यूट है। और यहाँ पे फायर जो है ना, फायर के एनिमेशन थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। तो भाई नेदर के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, आप लोग खुद देख लेना। और वेट, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना भूल गया, यहाँ पे चेस्ट देखो भाई, चेस्ट का टेक्सचर भाई कितना ज्यादा क्यूट है ना। ओके बस अभी एक छोटा सा सिनेमेटिक शॉट देख लो, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो एंड कैसे गेम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। चलो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे इस टेक्सचर पैक को डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के अंदर आना होगा, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, आपको नीचे जाना है, नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा एंड लोडिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे गेट डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्लिक करो, बस आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ZArchivar ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। मेरे पास पहले से ही था तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको वो टेक्सचर पैक मिल जाएगा। ये रहा वो टेक्सचर पैक, अभी इसके ऊपर एक बार क्लिक करो। उसके बाद ये जो छोटा सा एरो आइकॉन है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट करके जस्ट वन CILOS के ऊपर क्लिक कर दो, बस आपका जो माइनक्राफ्ट है वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब आपको इस वर्ल्ड के अंदर इसको अप्लाई करना है, उस वर्ल्ड का जो एडिट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको लेफ्ट साइड में नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे रिसोर्स पैक्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद माइक पैक्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेयर बोन्स टेक्सचर पैक, इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर दो। तो ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, अभी आप लोग आराम से गेम को खेल सकते हो बिंदास। तो चलो मैं भी यहाँ पे प्ले करके देख लेता हूँ। ओके, तो देख सकते हो भाई मेरा जो टेक्सचर पैक है वो 100% वर्क कर रहा है। बाकी अगर आप लोगों को माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का टॉप 3 बेस्ट स्टेटस चाहिए तो भाई ये वीडियो देख सकते हो आप लोग। एंड अगर आपको माइनक्राफ्ट का बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियोस चाहिए तो उसका भी एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।